वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नमकीन सत्तू की ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। सत्तू का ड्रिंक दो तरह से बनता है, एक नमकीन और एक मीठा भी। तो आज मैं सिर्फ नमकीन ही शेयर करने वाली हूँ और ये हर जगह मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में लाइक भी कर दीजिएगा। सत्तू का नमकीन ड्रिंक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ चने की सत्तू, और यहाँ पर खड़ा जीरा है और काला नमक और वाइट नमक है, और साथ में प्याज और हरी मिर्च भी है, और एक नींबू ली हूँ, और साथ ही में लवण भाज कर ली हूँ, और मैं ब्लैक पेपर भी लूँगी काली मिर्च, तो वो मैं बाद में ऐड करूँगी, लेकिन मैं जैसे जैसे बनाई हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज को एकदम बारीकी से कटिंग कर लूँगी, एकदम पतले पतले टुकड़े में काटना है। सेम उसी तरह मैं हरी मिर्च को भी कटिंग कर लूँगी, और भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला जाता है, तो मैं आपके सामने ही जीरा को रोस्ट करूँगी और उसके बाद ही मैं उसका पाउडर बनाऊँगी। तो जो जिनको एकदम से सत्तू का ड्रिंक बनाने नहीं आता वो आसानी से घर पे बना सकते हैं और गर्मी के दिन में पी सकते हैं। तो प्याज और हरी मिर्च को मैं कटिंग कर ली हूँ, और अब मैं यहाँ पे जीरा को रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं तवा पर रोस्ट करने वाली हूँ, तवा गर्म हो गई है और मैं यहाँ पे जीरा को अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। बिना तेल को रोस्ट करना होता है, और इसे थोड़ी सी हल्का भूरापन आ जाए तो मैं इसका स्विच ऑफ कर दूँगी। तो इसका कलर आ चुका है और मैं अब इसे ऑफ कर देती हूँ, और थोड़ी देर ठंडे होने के बाद मैं इसे खलबट्टे में अच्छी तरह से चूर लूँगी। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो ये अच्छा सा उसका पाउडर बन जाएगा खलबट्टे पर में, और आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसका पाउडर बना सकते हैं। फिर मैं इस जले हुए जीरा का पाउडर को थोड़ी सी दूसरे बाउल में रख लेती हूँ, और साथ ही में मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, तो मैं उसे इसमें थोड़ी सी 2 पिंच के लगभग मैं इसमें मिला दे रही हूँ। तो सत्तू का ड्रिंक बनाने के लिए इतने ही सामान की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ड्रिंक बनाकर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जितने भी आदमी का सत्तू बनाना है, जितने गिलास उतने अनुसार आप सत्तू ले सकते हैं। थोड़ी सत्तू न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, मीडियम में होना चाहिए, तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर एक बाउल सत्तू ली हूँ, 2 आदमी के लिए बना रही हूँ, और थोड़ी सी नमक, वाइट वाला नमक ले रही हूँ, ब्लैक नमक मैं लास्ट में दूंगी, और साथ ही में जीरा और काली मिर्च का पाउडर, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और अच्छा सा इसका घोल बनकर तैयार हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी, और ज़्यादा पतला मैं इसका घोल नहीं बनाऊँगी, तो थोड़ा सा मैं और पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सत्तू और पानी आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं और कहीं भी इसकी गुठलियाँ नहीं हैं। तो अब मैं इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना होता है, और साथ ही में मैं यहाँ पे काला नमक भी ऐड कर देती हूँ, और थोड़ी सी और टेस्ट ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर मैं लवण भास्कर का चूर्ण ऐड कर देती हूँ, ये भी पाउडर है, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो नींबू भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लास में ऐड कर रही हूँ, वैसे कोई नहीं, ये दोनों में आप ऐड कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं 2 ग्लास ली हूँ और दोनों में इस घोल सत्तू का डाल दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप ब्लैक वाला नमक ले सकते हैं, और साथ ही में वो पाउडर भी ले सकते हैं, जीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो थोड़ी सी और मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ, और थोड़ी सी नींबू का जूस, तो मैं यहाँ पे हाथ से ही नींबू का जूस अच्छे से निकाल लेती हूँ, और इसका बीज मैं अच्छे से निकाल ली हूँ, और इसमें मैं निचोड़ देती हूँ। तो आधा से कम ही नींबू है, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए आधा आधा मैं नींबू इसमें डाल दे रही हूँ। तो कितना आसान है ना बनाना, तो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, और बिल्कुल ये जैसे आप मार्केट में पीते हैं वैसा ही वाली बनी है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये गर्मी के दिन में काफ़ी लाभदायक होता है। तो अगर मेरा सत्तू का ड्रिंक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और साथ ही में मेरे चैनल का लाइक भी जरूर कीजिएगा।